नैब में तफ्तीशी अफसरान का कोई तजुर्बा नहीं, उसे सियासी इदारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ हर आवाज दबा दी जाती है, हुकूमत चाहती है अवामी मसाइल सामने ना आ सके। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, मुस्तफा नवाज खोकर के तब्दीली सरकार पर वार, बोले नैब कानून में हमें अपने दौर में तरमीम करनी चाहिए थी। FATF मामले पर पाकिस्तान से बहुत डिमांड्स की गई, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हुकूमत जिसके पास पिछले दो सालों में आवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयां करती है ताकि वो अखबारात की जीनत बने, टॉक शोज के ऊपर इनकी गुफ्तगू हो, मीडिया पे यही खबरें चले और आवाम के जो असल इश्यूज हैं वो सामने ना आ सके। तो नैब सिर्फ सियासतदानों नहीं बल्कि इस मुल्क में हर उस इंडिपेंडेंट आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रही है। FATF का जो मामला है उसमें पाकिस्तान से बहुत से तकाजे किए गए हैं कि आप अपनी जो रजीम है मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से उसको बेहतर करें और कई मामलात में आपके पास कवानीन ही मौजूद नहीं है, उन कवानीन को आप बनाएं। इंडिया और दीगर कई ममालिक इस वक्त वो चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, वो एक्टिवली इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए।